हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के कमेंट्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू स्लाइड पे जाएंगे, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। पावर पॉइंट में कमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया हुआ है उसमें से किसी वर्ड, किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ के बारे में एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि वो स्लाइड में दिखाई ना दे। तो ऐसा करने के लिए हम कमेंट कमांड का यूज़ करते हैं। आने के बाद यहाँ पे कमांड लिखेंगे, ये कमांड आ गई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे। ये हमने साइज़ यहाँ से इसको ये साइज़ बढ़ा दिया। साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ को कमेंट लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वर्ड है, जैसे क्यूक लिखा हुआ है, इस वर्ड को हमने कमेंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, कमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब के कमेंट्स ग्रुप में, कमेंट कमांड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में ये कमेंट पैन आ जाएगी। यहाँ पे हम कमेंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूक लिखा हुआ है, यहाँ पे कमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कमेंट लिखा फास्ट, ये लिखा। लिखने के बाद ये कमेंट यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे लाइन के लिए कमेंट लगाना है तो हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पे जाएंगे। एक कमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तब भी ये कमेंट यहाँ पे लग जाएगा। ये देखो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कमेंट लिखा, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमेंट यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे रिप्लाई के लिए आ जाएगा। अगर कोई हमारा फ्रेंड यहाँ पे कमेंट लिखना चाहता है, रिप्लाई करना चाहता है, तो वो यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। जैसे यहाँ पे रिप्लाई में लिखेंगे, ओके सर, ये रिप्लाई, और उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को कमेंट लगाना चाहते हैं तो हम ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट पे जाएंगे या यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कमेंट पे जाएंगे। कमेंट पे जाने के बाद ये पैराग्राफ को कमेंट लगाना है तो यहाँ पे कमेंट ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम रीड दिस पैराग्राफ। इसके लिए हमने ये लिख दिया, रीड दिस पैराग्राफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अगर कोई फ्रेंड रिप्लाई करना चाहता है तो यहाँ से रिप्लाई कर सकता है, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आ गया। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ पे बंद करने के बाद ये जो बॉक्स है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। जैसे हमने इसका देखना है कि इसमें क्या कमेंट लगा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये जो कमेंट लगा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट, ये कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके बाद दूसरा चेक करना चाहते हैं कि दूसरे में क्या कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरे में ये कमेंट लगा हुआ है और इसका रिप्लाई ये आया हुआ है। तीसरे का चेक करना है तो ये तीसरे में चले जाएंगे। ये देखो, तीसरे में कमेंट ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम ये कमेंट देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा कमेंट लगा हुआ है। इसके बाद अगर ये कमेंट लगा हुआ है, इसे पीछे वाले कमेंट में जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीवियस। ये देखो, पीछे वाले कमेंट में चले गए, ये जो कमेंट है ये इसमें चले जाएंगे। अगर इस प्रीवियस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रीवियस, ये पिछले वाले कमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले।
अगर आगे वाली कमेंट में जाना है, ये इसमें जाना है, तो हम ये नेक्स्ट करेंगे, ये अगले कमेंट में आ जाएंगे, इससे आगे जाना है तो वो और नेक्स्ट करेंगे, इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट में जाना चाहते हैं तो इनके ज़रिए हम कमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद आगे है हमारे पास, जैसे ये मोर बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मूव यहाँ पे दिया गया है, साइज़ दिया गया है, क्लोज दिया गया है। तो मूव का मतलब होता है कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड में कमेंट की पेन है, इसको अगर मूव करना है, हमने इस पेन को यहाँ पे रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मूव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे माउस का क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम जहाँ भी इसको रखना है वहाँ पे हम इसको रख देंगे। ये देखो, यहाँ पे रखने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, या मूव करके इसको कहीं और ले जाना है, जैसे यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में ले जाना है तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अगर हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ये साइज़ ज़्यादा हो गया है या कम है, तो हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करके साइज़ पे जाके इसका साइज़ ज़्यादा, ये देखो बढ़ रहा है साइज़, अगर कम करना है माउस को पीछे ले जाएंगे, ये देखो कम हो रहा है। तो इस प्रकार हम इसका साइज़, ये जो हमारी कमेंट पेन है, इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर अगला है क्लोज, अगर ये राइट हैंड साइड में जो कमेंट की पेन है इसको क्लोज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद फिर देखना है कि ये जो कमेंट ये लगा हुआ है, ये कमेंट कौन सा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे ये कमेंट लगा हुआ है, रीड दिस पैराग्राफ, ये कमेंट लगाया हुआ है। तो ये हम ये यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद ये जो कमेंट लगा हुआ है, रीड दिस पैराग्राफ, हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी जो है यहाँ पे आ जाए, ये जो नीचे यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसके नीचे यहाँ पे इसकी कॉपी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट हम कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी ये प्रेस किया, तो ये जो हमारा कमेंट यहाँ पे लिखा था हमने, उसके जो ये टेक्स्ट था उसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये यूज़र का भी इसको बनाया है, ये यहाँ पे आ जाएगा, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये जो कमेंट लगाया था, रीड दिस पैराग्राफ, ये कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी कॉपी भी हम, ये जो कमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी कॉपी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस किया, इसके बाद इसी कमेंट, ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके न्यू कमेंट, अगर हमने नया कमेंट इसी में लिखना है तो हम यहाँ से न्यू कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, तो इस कमेंट में हम ये कमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, रीड दिस पैराग्राफ वेरी केयरफुली। तो ये कमेंट, इस कमेंट में एक और कमेंट यहाँ पे लग गया। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये कमेंट डिलीट हो जाए, जो अब अभी हमने लिखा या जो पीछे लिखा हुआ है, उस कमेंट को डिलीट करना है या इसको डिलीट करना है, तो हम ये कमेंट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एक तो ये क्रॉस यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से भी हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, या ये कमेंट यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके माउस का, और यहाँ पे डिलीट कमेंट, ये देखो डिलीट कमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स था, ये यहाँ से हट जाएगा। अगला, ये जो अगला कमेंट है ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट, ये भी हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, अगला ये जो लाइन के लिए कमेंट लगा हुआ है, इसको डिलीट करना है तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से क्रॉस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। आगे ऊपर क्रॉस, इसको भी हटाना है, यहाँ से ये हट जाएगा, और इस कमेंट को भी यहाँ से हटाना है, तो हम यहाँ से
इसको यहाँ पे क्लिक करके, क्रॉस पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कमेंट को हटाने के बाद अगर हम ये कमेंट पैन यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ से बंद करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रॉस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कमेंट पैन यहाँ से हट जाएगी। तो इस वीडियो में हमने कमेंट्स ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।